इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और किन किन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसको समझने से पहले हमको ये देखना है कि आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमर या आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड लिए हैं। एक हमारे पास इथाइल एल्कोहल है, दूसरा हमारे पास डाइमिथाइल ईथर, या इसे हम मिथोक्सी मिथेन भी कह सकते हैं। अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो इथाइल एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जबकि डाइमिथाइल ईथर रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। और अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री होता है, जबकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 17 डिग्री होता है। और अगर इसके रिएक्शन को कंसिडर किया जाए, और सपोज इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाई जाए, चूंकि इथाइल एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, जबकि ईथर की अगर रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होती है तो ऐसी कंडीशन में ईथर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ईथर में एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। यहाँ पर गिवन डेटा ये शो कर रहे हैं कि इन दोनों कंपाउंड की फिजिकल कंडीशंस के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट है। बट सबसे बड़ी सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, और वो हमारे पास C2H6O है, यानी दोनों में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या सेम है, जो कि C2H6O होती है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सेकंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि कंपाउंड में जो ग्रुप लगे रहते हैं उनका स्पाइटल यानी 3D एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है, जैसे बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो गया या डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांट सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस कंप्लीट पार्ट को यानी स्टीरियोआइसोमर्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टोटल हमने 18 वीडियोस अपलोड किए हैं, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टोटल 9 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुके हैं। आई होप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आपने सभी वीडियोस देखे होंगे। अगर किसी कारण से स्टीरियो आइसोमेरिज्म के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स के रिलेशन में ये जितने वीडियोस अपलोडेड हैं उनको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों का टास्क ये रहेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसको कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल फार्मूला तो सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, यानी कि उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, और कंपाउंड के इस फिनोमेना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और जो कंपाउंड ये फिनोमेना शो करते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी डिफरेंट कैसे हो जाती है। बेसिकली इन मॉलिक्यूल में ग्रुप या एटम की कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होता है या लिंकेज डिफरेंट होती है, इस कारण से इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होने के कारण ये कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस कनेक्टिविटी का ही होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी हमेशा डिफरेंट होती है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी हमेशा सेम होती है, और इनमें जो स्पाइटल या 3D में एनवायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अभी जो हमने इथाइल एल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर का एग्जाम्पल कंसिडर किया था उसको रिकंसिडर करते हैं। अगर इथाइल एल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर के ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बॉन्डिंग पैटर्न को देखें तो इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डेड होती है, बीच में ट्रैप होती है, जबकि डाइमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डेड होती है, यानी कि इनमें बॉन्डिंग पैटर्न या इसमें ग्रुप का लिंकेज डिफरेंट हो गई, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 चैन आइसोमेरिज्म, नंबर 2
पोजिशन आइसोमेरिज्म, नंबर थर्ड मेटामेरिज्म, नंबर फोर्थ टोटोमेरिज्म, नंबर फिफ्थ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर सिक्स रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इन सभी आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने से पहले एक चीज बहुत ही क्लियरली नोट कर लेनी है कि हमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टॉपिक को दो पार्ट में तैयार करना है, यानी इसके प्रिपरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला काम तो हमको ये सीखना है कि गिवन कंपाउंड में रिलेशन किस तरह से चेक किया जाता है। अगर हमको कंपाउंड देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से आइसोमर्स के एग्जाम्पल है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए कि अगर मॉलिक्यूल फॉर्मूला देने के बाद वो हमसे पूछे कि इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसमें कितने टोटल स्ट्रक्चरल या स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज तो हमारा टास्क रहेगा कि गिवन कंपाउंड में हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि गिवन मॉलिक्यूल फार्मूला से किस तरह से टोटल आइसोमर ड्रॉ किए जाते हैं। चलिए अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैन आइसोमेरिज्म की। नंबर वन चैन आइसोमेरिज्म, जिसे हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अगर किन्हीं दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उन दोनों कंपाउंड में जो कार्बन की चैन है उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में उन कंपाउंड को हम चैन आइसोमर्स या न्यूक्लियर आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम चैन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। अब यहाँ पे कार्बन चैन का मतलब क्या है, क्योंकि दो तरह की कार्बन चैन होती है। एक होती है मेन चैन जिसे एम डॉट सी कह सकते हैं, दूसरी होती है साइड चैन जिसे एस डॉट सी कह सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, उसकी मेन चैन या फिर साइड चैन या फिर दोनों में डिफरेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपाउंड चैन आइसोमर्स कहलाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप की नेचर है, या मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर उनके जो सब्सिट्यूएंट है जैसे क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो नाइट्रोसो, इन सब की नेचर सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर वन, यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड है, एक हमारे पास ब्यूटेन है, दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन यानी 2-methyl propane है। अगर इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला देखें तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला आइडेंटिकल है, जो कि C4H10 होता है। अब ये देखते हैं कि इसमें CI यानी चैन आइसोमेरिज्म कैसे चेक किया जाता है। अगर फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो इसमें मेन चैन 4 carbon की है, और जबकि दूसरे कंपाउंड की मेन चैन 3 carbon की है, तो दोनों की चैन में डिफरेंस आ गया, इसलिए ये चैन आइसोमर है। इसकी साइड चैन को भी अगर हम कंसिडर करें तो इसमें साइड चैन 0 है, जबकि आइसोब्यूटेन में 1-methyl ग्रुप की साइड चैन है, इसलिए साइड चैन में भी डिफरेंस हो गया। अगेन ये दोनों कंपाउंड आपस में चैन आइसोमर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास 3 compound दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट वन पेंटेन है, दूसरा हमारे पास 2-methyl butane यानी आइसोपेंटेन है, तीसरा हमारे पास 2-2-dimethyl propane यानी नियोपेंटेन है। अगर इन तीनों का मॉलिक्यूल फार्मूला चेक किया जाए तो तीनों का मॉलिक्यूल फार्मूला C5H12 यानी आइडेंटिकल आता है। अब बात करते हैं मेन चेन की। अगर हम इसमें मेन चेन देखें तो पेंटेन में 5 carbon की मेन चेन है, जबकि 2-methyl butane में 4 carbon की मेन चेन है, और इस नियोपेंटेन में 3 carbon की मेन चेन है। चूंकि इनकी मेन चेन में डिफरेंस आ गया, इसलिए ये तीनों आइसोमर एक दूसरे के चैन आइसोमर्स होंगे। यानी कि किन्हीं भी दो कंपाउंड को हम पिक करें, जैसे फर्स्ट और सेकंड आपस में चैन आइसोमर है, सेकंड और थर्ड आपस में चैन आइसोमर है, इसी तरह फर्स्ट और थर्ड भी आपस में चैन आइसोमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इस एग्जाम्पल में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल साइक्लोपेंटेन दी गई है। अगर हम इसमें मेन चैन को कंसिडर करें तो साइक्लोहेक्सेन में मेन चेन 6 carbon की है, जबकि मिथाइल साइक्लोपेंटेन में मेन चेन 5 carbon की है, यानी दोनों में मेन चेन में डिफरेंस है। अगर साइड चेन के बेस पे देखें तो साइक्लोहेक्सेन में साइड चेन एब्सेंट है, जबकि मिथाइल साइक्लोपेंटेन में एक साइड चेन प्रेजेंट है। यानी कि इस कंपाउंड में मेन चेन के साथ साथ साइड चेन में भी डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में चैन आइसोमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, इस एग्जाम्पल में जो पहला कंपाउंड है वो हमारे पास इथाइल साइक्लोहेक्सेन है, जबकि सेकंड कंपाउंड 1-1-dimethyl साइक्लोहेक्सेन है। अगर इन दोनों कंपाउंड में मेन चेन की बात की जाए तो इसमें मेन चेन 6 carbon की है, और इसी तरह इसमें भी मेन चेन 6 carbon की है। अगर साइड चेन की बात की जाए तो पहले कंपाउंड में साइड चेन हमारे पास 1 है, जबकि दूसरे कंपाउंड में हमारे पास साइड चेन टोटल 2 है। इन दोनों कंपाउंड की साइड चेन में डिफरेंस आने के कारण अब ये दोनों कंपाउंड आपस में चैन आइसोमर्स कहलाएंगे।
एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं जो आइसोमेरिक हो और उसमें चैन टर्मिनेटिव फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, सीएन साइनाइड ग्रुप, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड आइसोमेरिक अगर हो तो ये हमेशा चैन आइसोमर्स होते हैं। ये चैन आइसोमर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आईओपीसी में हमने देखा था कि इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा आईओपीसी का स्टार्टिंग नंबर जो वन नंबर होता है इनके कार्बन को दिया जाता है। अगर फिफ्थ ए में नंबरिंग करें तो इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से की जाएगी, इसी तरह इसके सेकेंड कंपाउंड की नंबरिंग की जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी, इसी तरह से इन सब कंपाउंड की हम नंबरिंग कर लेते हैं। अब अगर फिफ्थ ए के दोनों कंपाउंड को आपस में कंपेयर करें तो इसमें फोर कार्बन की मेन चेन है जबकि इसमें थ्री कार्बन की मेन चेन है, इसमें साइड चेन जीरो है, इसमें एक साइड चेन है, इसलिए मेन चेन और साइड चेन दोनों में डिफरेंस होने के कारण ये दोनों कंपाउंड आपस में चैन आइसोमर है। इसी तरह से इसके बी पार्ट में इसमें फोर कार्बन की मेन चेन है, साइड चेन जीरो है, इसमें थ्री कार्बन की मेन चेन है और साइड चेन वन है, अगेन मेन चेन और साइड चेन दोनों में डिफरेंस है इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में चैन आइसोमर है। इसी तरह इसके सी पार्ट में इसमें फाइव कार्बन की मेन चेन है, इसमें फोर कार्बन की मेन चेन है, इसमें साइड चेन जीरो है जबकि इसमें साइड चेन वन है, इसलिए मेन चेन और साइड चेन दोनों में डिफरेंस होने के कारण ये कंपाउंड आपस में चैन आइसोमर्स है। चैन आइसोमर के लिए हमको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, अगर हमारे पास मेन चेन साइड चेन दोनों सेम हो और अगर साइड चेन का नाम डिफरेंट हो, ऐसी कंडीशंस में भी ये मॉलिक्यूल चैन आइसोमर्स कहलाते हैं। यहाँ पे दो तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास अगर इन दोनों कंपाउंड को कंपैरिजन करें तो इसमें साइक्लोहेक्सेन की मेन चेन है, इसमें भी साइक्लोहेक्सेन की मेन चेन है, इसमें साइड चेन एक है तीन कार्बन की है, इसमें भी साइड चेन एक है तीन कार्बन की है, यानी इसमें सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इस साइड चेन का नेम। अगर इस साइड चेन को देखें तो हमारे पास ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, जबकि ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसी कंडीशन में ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के चैन आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से इसके सेकेंड केस में इन दोनों कंपाउंड में मेन चेन बेंजीन है और साइड चेन फोर कार्बन की सिंगल साइड चेन है, अगेन इसमें फोर कार्बन की सिंगल साइड चेन है, बट डिफरेंस क्या है? इस साइड चेन का नेम डिफरेंट है, ये ब्यूटाइल साइड चेन है जबकि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल साइड चेन है, इसलिए ये कंपाउंड कहलाएगा ब्यूटाइल बेंजीन और ये कंपाउंड कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ साइड चेन के नेम में डिफरेंस है, इसलिए अगेन ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के चैन आइसोमर्स होंगे। नंबर सेकेंड, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर किन्हीं दो कंपाउंड में नंबर वन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर सेकेंड उनमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन जैसे मिथाइल इथाइल कोई भी अल्काइल साइड चेन या उसके सब्सिट्यूएंट जैसे क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, इनकी डिफरेंट पोजीशन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे कंपाउंड में या पीआई में इन दो बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि इनमें मेन चेन और जो साइड चेन है उनका साइज सेम होना चाहिए। नंबर सेकेंड, जो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन या सब्सिट्यूएंट जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी नेचर सेम होनी चाहिए, सिर्फ उसकी पोजीशन में ही डिफरेंस होना चाहिए। एग्जांपल नंबर सिक्स, इस एग्जांपल में इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इनमें मेन चेन भी सेम है और इनमें मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही कार्बन कार्बन के बीच है। इतनी चीजें सेम होने के बाद इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन का। अगर हम आईयूपीएसी नंबरिंग करें तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, यानी इसका जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है, और इस तरह इसकी नंबरिंग करें तो इसमें डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पोजिशन में आया है, यानी सारी चीजें सेम होने के बाद इसमें मल्टीपल बॉन्ड की पोजिशन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड पीआई यानी पोजिशन आइसोमर्स कहलाते हैं। पीआई आइसोमर में एक खास बात और होती है कि अगर इनका आईयूपीएसी लिखे तो इनका कंप्लीट आईयूपीएसी सेम होता है, बस उसमें नंबर का डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट एल्कीन का जो आईयूपीएसी बनेगा वो बनेगा ब्यूट वन इन, और इसी तरह सेकंड कंपाउंड का बन जाएगा ब्यूट टू इन। इसका पूरा नेम सेम है, जस्ट पोजिशन का डिफरेंस है, जो ये बताता है कि इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पोजिशन में है और इसमें डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पोजीशन में है।
इसी कारण से ये दोनों कंपाउंड आपस में पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इन दोनों एग्जाम्पल में अगर मेन चेन की बात करें तो दोनों में दो कार्बन की मेन चेन है। डबल बॉन्ड की बात करें, दोनों में ही एल्कीन का डबल बॉन्ड है और दोनों में ही दो दो हमारे पास सब्सिट्यूएंट है। बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट कंपाउंड में ये दोनों सब्सिट्यूएंट एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, जबकि सेकेंड कंपाउंड में ये दोनों सब्सिट्यूएंट सेपरेट कार्बन पर, अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में पोजिशन आइसोमर्स होंगे। ये दोनों कंपाउंड आपस में पीआई है, इसके लिए इसका आयुपिक नेम भी चेक कर सकते हैं। इस कंपाउंड का आयुपिक नेम 11 डाइक्लोरोएथेन है, जबकि इसका आयुपिक नेम 12 डाइक्लोरोएथेन है। सिर्फ इसकी पोजीशन में डिफरेंस है, इसी कारण से ये दोनों कंपाउंड आपस में पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पे हमारे पास डाइक्लोरोबेंजीन के तीन आइसोमर दिए गए हैं। अगर इन तीनों कंपाउंड को आपस में कंपेयर करें तो तीनों में मेन चेन बेंजीन की मेन चेन है, तीनों में दो दो सब्सिट्यूएंट है और तीनों के सब्सिट्यूएंट आइडेंटिकल है, यानी क्लोरो है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनकी पोजीशन का। अगर फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन में है, जबकि दूसरे में ये फर्स्ट और थर्ड पोजिशन में है, जबकि तीसरे में ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में, या हम ऐसा कह लें पहले में एक दूसरे की औरतों पे है, दूसरे कंपाउंड में एक दूसरे की मेटा पे है और तीसरे कंपाउंड में एक दूसरे की पैरा पे है। क्योंकि इस कंपाउंड में मेन चेन, साइड चेन, लोकेंट, सब्सिट्यूएंट सब की नेचर सेम है, जस्ट पोजीशन का अंतर है, इसलिए ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। अब एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, इसका मतलब ये है इनमें से किसी भी दो को आप कंपेयर करो, चाहे फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो, या पीआई है, सेकेंड थर्ड आपस में पीआई है, फर्स्ट और थर्ड आपस में पीआई है। एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पे हमारे पास डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन दिया गया है और इसके आइसोमर बना के उनका आपस में रिलेशन चेक करते हैं। तो हमको साइक्लोब्यूटेन बनाना है, तो सबसे पहले हमने साइक्लोब्यूटेन बना लिया, इस पे दो क्लोरीन लगाने हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में दोनों क्लोरीन हम एक ही कंपाउंड पे लगा लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास 1.1 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है। अब एक क्लोरीन को वहीं फ्रीज करके दूसरे क्लोरीन को नेक्स्ट कार्बन पे मूव कर देते हैं, यानी ये हमारे पास 1.2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन हो गया। इसी तरह फर्स्ट को वहीं होल्ड करके सेकंड क्लोरीन को आगे मूव करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन हो गया। अब इन तीनों कंपाउंड को आपस में कंसिडर करें, ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इन सभी में मेन चेन साइक्लोब्यूटेन कॉमन है, सभी में दो दो सब्सिट्यूएंट कॉमन है और सभी में सब्सिट्यूएंट की नेचर भी कॉमन है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इनकी पोजीशन का डिफरेंस है, इसलिए ये सभी कंपाउंड एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक यानी CTG फंक्शनल ग्रुप है, और अभी CI में हमने देखा था कि अगर CTG प्रेजेंट है तो IUPAC के अकॉर्डिंग हमेशा फर्स्ट नंबर इसके कार्बन को दिया जाता है, और दूसरी हमने स्टेटमेंट ये दी थी अगर CTG प्रेजेंट है ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा CI होते हैं। बट ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। अगर कंप्लीट स्टेटमेंट की बात की जाए तो कंप्लीट स्टेटमेंट ये है कि अगर मॉलिक्यूल में CTG प्रेजेंट है तो वो खुद की पोजीशन के कारण, ध्यान रखना इसमें क्या चीज मेंशन कर रहे हैं, वो खुद की पोजीशन के कारण कभी भी PI नहीं बना सकता। अगर उस पे और कोई ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी पोजीशन डिफरेंट है तो वो PI का केस हो सकता है। जैसे यहां पर हमारे पास जो दो कंपाउंड दिए गए हैं, सबसे पहले इनमें मेन चेन देखते हैं, क्योंकि इसमें CTG है तो 1 नंबर उसको देंगे तो इसमें मेन चेन 4 कार्बन की आई, और अगर दूसरे कंपाउंड की नंबरिंग की जाए तो इसमें भी मेन चेन हमारे पास 4 कार्बन की आई, यानी दोनों ही कंपाउंड में मेन चेन सेम है, साइड चेन की संख्या सेम है, साइड चेन की नेचर सेम है, फंक्शनल ग्रुप की नेचर सेम है, उसके बाद साइड चेन की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में PI होंगे। अगर इसको देखें ये 3-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड होगा जबकि ये 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड होगा, दोनों के नंबर में ही जस्ट डिफरेंस आया है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। नंबर 3, मेटामेरिज्म। किन्हीं दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर उनका मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम हो और उनमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और दोनों में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिकल है, तो ऐसी कंडीशन में इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक साइड या दोनों साइड में जो कार्बन की संख्या का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम मेटामेरिज्म कहते हैं।
क्योंकि इसमें कंपैरिजन के लिए जिन दो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लोगे उनमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, इसीलिए ये कंपाउंड आपस में मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज होते हैं, यानी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को समझना कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को आपस में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। यहाँ पर OH हमारे पास अल्कोहल है, और अगर मैं आपसे पूछूं इस अल्कोहल पर अब आप कितने ग्रुप जोड़ सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है और अल्कोहल में एक वैलेंसी ऑलरेडी H ने कंज्यूम कर दी है, तो इस एक वैलेंसी पर आप केवल एक ही ग्रुप जोड़ सकते हो, इसलिए ये अल्कोहल हमारे पास मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अब मान लो अल्कोहल की जगह पर मेरे पास ईथर है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है और इसकी दो वैलेंसी अभी फ्री है, तो इसके साथ मैं कितने ग्रुप जोड़ सकता हूँ, तो इनके साथ दो वैलेंसी फ्री होने के कारण मैं दो ग्रुप जोड़ सकता हूँ। अब ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए जो ईथर होगा वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास थायोल है, यानी कि मेरे पास SH है, अगेन सल्फर की दो वैलेंसी थी, एक हाइड्रोजन ने कंज्यूम कर दी, तो थायोल में हम केवल एक ही R जोड़ सकते हैं, यानी थायोल अगेन हमारे पास मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बट अगर हमारे पास थायो ईथर हुआ, यानी जिसमें ऑक्सीजन का सल्फर एनालॉगस, इसमें सल्फर की दो वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पे आप दो ग्रुप जोड़ सकते हैं, अगेन ये दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं या फिर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है सल्फर जो होगा वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, यहाँ पे हमारे पास C4H10O मॉलिक्यूल फार्मूला वाला कंपाउंड दिया गया है और इसमें मेटामर्स ही बनाने हैं। तो अब सबसे पहले हमको ये देखना है, चूंकि कंपाउंड में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम के कारण इसमें फंक्शनल ग्रुप OH यानी अल्कोहल भी हो सकता था और फंक्शनल ग्रुप इसमें ईथर भी हो सकता था। क्योंकि वो हमको मेटामेरिज्म के लिए बात कर रहा है, तो इसमें अल्कोहल को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्कोहल मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और इस O से ईथर पॉसिबल है और ईथर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम C4H10O का सिंपलेस्ट ईथर बनाएं, तो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट ईथर होगा कि तीन कार्बन एक साइड में कर दें, फिर ऑक्सीजन लगा दें और फिर एक कार्बन रख दें। अब पहला कंपाउंड बनाने के बाद हमको इस फंक्शनल ग्रुप को मेंटेन करना है, यानी जहां भी हम कंपाउंड अब बनाएंगे उसमें वही फंक्शनल ग्रुप को रीड्रॉ करेंगे और मॉलिक्यूल फार्मूला ये सेम रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से एक कार्बन को उठाकर यहाँ दे दें, तो इससे जो हमारे पास ईथर बनेगा, अब इस ईथर में दोनों साइड दो दो कार्बन हो जाएंगे, यानी कि इस पूरे कार्बन इसके पास थे चार, आपने इस ऑक्सीजन पर दोनों साइड में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यहाँ भी दो कार्बन हो गए और यहाँ भी दोनों कार्बन हो गए, क्योंकि अभी भी ये ईथर ही है और इसलिए ये कंपाउंड इस कंपाउंड के साथ मेटामर्स होगा। इसमें एक काम और किया जा सकता था कि इन तीन कार्बन में से एक कार्बन को हटाकर इधर ना देखकर इन्हीं तीन कार्बन को इस साइड में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इससे ये जो प्रोपाइल ग्रुप था ये हमको आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर इसको बना ले तो तीसरा कंपाउंड हमारे पास इससे ईथर बन जाएगा इस टाइप का। अब इस ईथर में भी चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है, यानी कि ये ईथर के आइसोमर्स हैं और ये आपस में मेटामर्स कहलाएंगे। अब अगर इस एग्जांपल के बाद मेटामर्स के डेफिनेशन को रीडिफाइन किया जाए, तो किसी भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड या फिर किसी एक साइड कार्बन की संख्या को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ऐसे कंपाउंड मेटामर्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म को एग्जाम्पल 12 से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एग्जाम्पल ए और बी दिए गए हैं। अगर हम ए के दोनों केस को, दोनों कंपाउंड को देखें, तो क्लियर कट हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये पोजीशन आइसोमर्स क्यों हैं? क्योंकि दोनों में मेन चेन बेंजीन कॉमन है, दोनों में दो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, दोनों ही साइड चेन मिथाइल की है, बस इनकी पोजीशन का अंतर है। ये हमारे पास 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है और ये हमारे पास 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है, इसलिए ये दोनों आपस में PI का रिलेशनशिप रखते हैं, यानी कि दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। अगर बिल्कुल इसके पैरेलल इस बी एग्जांपल को कंसीडर करें, तो सेम इसमें मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसे भी पोजीशन आइसोमर्स होना चाहिए, यानी ये दोनों कंपाउंड भी आपस में पोजीशन आइसोमर होना चाहिए। बट ये दोनों कंपाउंड कभी भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, आप इसमें फंक्शनल ग्रुप को चेक करो। यहाँ पे हमारे पास
ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और अभी हमने कहा था कि जो ईथर होता है वो हमारे पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी एक ईथर से दूसरा आइसोमेरिक ईथर जो भी बनेगा, चाहे उसमें सीआई दिखे चाहे उसमें पीआई दिखे, हमेशा वो मेटामर्स कहलाएंगे। इस कारण से ये दोनों कंपाउंड पोजिशन आइसोमर्स ना होके मेटामर्स होंगे। मेटामेरिज्म की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए। इसमें हमको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, क्या मॉलिक्यूल में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? अगर मॉलिक्यूल में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उस कंपाउंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन से नया कंपाउंड बन रहा है जिसमें वही का वही पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड मेटामर्स होते हैं। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि पहले सीआई और पीआई को ना देखकर मेटामेरिज्म को इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होने के कारण सबसे पहले कंपाउंड में हमको मेटामेरिज्म ढूंढना है। अगर सीआई पीआई प्रेजेंट भी है अलोंग विद मेटामेरिज्म, तो हमेशा हमको आंसर मेटामेरिज्म का ही देना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मेंशन किए गए हैं, जैसे नंबर वन ईथर, नंबर सेकंड थायो ईथर, नंबर थर्ड इस्टर, नंबर फोर्थ सल्फोनेट इस्टर, नंबर फिफ्थ एनहाइड्राइड, नंबर सिक्स एमीन्स में सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन, नंबर फोर्थ एमाइड में सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमाइड। अमीन्स और एमाइड के केस में हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें हमने केवल सेकंड और थर्ड डिग्री अमीन और एमाइड को लिया है, यानी दोनों ही केस में हमने वन डिग्री अमीन्स और वन डिग्री एमाइड को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि वो दोनों ही मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर मेटामेरिज्म की डेफिनेशन को रीडिफाइन करें तो मेटामेरिज्म के केस में कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप इनमें से होना जरूरी है। सपोज हमारे कंपाउंड में एनहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप था, तो इस एनहाइड्रेट से जो उसका मॉलिक्यूल फार्मूला है, जब तक दूसरे आइसोमेरिक एनहाइड्रेट ही बनते रहेंगे, ये सभी आपस में मेटामर्स कहलाएंगे। जैसे सपोज हमारे पास थर्ड डिग्री अमीन था, अब इस थर्ड डिग्री अमीन से जब तक थर्ड डिग्री अमीन आइसोमेरिक बनता रहेगा, वो सभी आइसोमेरिक थर्ड डिग्री अमीन आपस में मेटामर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, अगर इन दोनों कंपाउंड को देखें तो इनमें फंक्शनल ग्रुप इस्टर है और इस्टर एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एक इस्टर से जो हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा दें, तो इससे ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। यानी ये इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन से बना है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के रीडिस्ट्रीब्यूशन से बना है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में मेटामर्स होंगे। अब क्वेश्चन 14 में बड़े इंटरेस्टिंग कंपाउंड दिया गया है जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्या ये दोनों कंपाउंड मेटामर्स है? अगर हम ईथर को कंसिडर करें तो ईथर में इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन लगता है, बट ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, मेटामर्स नहीं है। क्यों नहीं? अगर इस कंपाउंड को 180 डिग्री को रोटेट करें तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं करा है। बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, किसी एक साइड का कुछ हिस्सा हमको देना है या किसी दूसरी साइड में उसी से ही दूसरा ग्रुप बना लेना है। इसमें हमने ग्रुप या कार्बन का रीडिस्ट्रीब्यूशन ना करके पूरा का पूरा कंपाउंड का ग्रुप ही शिफ्ट कर दिया। जैसे इस ईथर में ये वाला पूरा हिस्सा उठाकर यहाँ ले गए और ये वाला पूरा हिस्सा उठाकर यहाँ ले जाए, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। बेसिकली ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकली हुए। अब अगर मान लो इस कंपाउंड का मुझे मेटामर्स बनाना है, तो मैं ईथर फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट है इसको तो मेंटेन करूंगा, इस हिस्से को यहीं पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा या इस हिस्से के कुछ कार्बन इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये सभी एग्जांपल या केसेस जो बनेंगे वो सारे मेटामर्स के केस बनेंगे। जैसे अगर इस ग्रुप को यहीं पे रीडिस्ट्रीब्यूट करूं तो एक सिंपलेस्ट कंपाउंड अपने ये बना सकते हैं, ये मेटामर्स होगा। इसी तरह से इस हिस्से का कार्बन मैं रीडिस्ट्रीब्यूट इधर ना करके इधर शिफ्ट कर दूं, तो इससे अब ये जो कंपाउंड बनेगा ये इसका अगेन एक सिंपलेस्ट मेटामर्स होगा। इसके अलावा भी इस कंपाउंड से रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बहुत सारे मेटामर्स पॉसिबल है, बट हम उन सभी को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल लाइन में अगर इसको हम समझाएं तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है वो हमारे पास आया है C12H16O, और जब इस मॉलिक्यूल फार्मूले को मेंटेन करते हुए इससे जितने भी ईथर बनेंगे वो सभी एक दूसरे के मेटामर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, यहाँ पे एक एस्टर मॉलिक्यूल दिया गया है जो कि इथाइल एथेनोइट है। चूंकि एस्टर एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और मेटामेरिज्म के जो फंक्शनल ग्रुप अभी हमने डिस्प्ले किए थे उसके अंदर ये मेंशन है, इसलिए इस कंपाउंड से हम मेटामर्स बना सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसके इस एस्टर के रिस्पेक्ट में हमारे पास अभी दो तरह के अल्काइल ग्रुप है, एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है और एक इस एस्टर के इस ओ से जुड़ा हुआ
इथाइल ग्रुप है, पहले इन दोनों की आपस में शेयरिंग से नए एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आप किसी भी एक साइड से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक CH2 ग्रुप को मैं इधर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, और जैसे ही मैं यहाँ से CH2 ग्रुप को माइनस करूंगा, यहाँ पे मेरे पास H बच जाएगा, और ये H जो होगा एस्टर फंक्शन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब इस O के पास इथाइल ग्रुप था, यहाँ से CH2 अगर मैं इसको दे देता हूँ, अब ये इथाइल ग्रुप जो था ये तीन कार्बन के प्रोपाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे को करना क्या है कि वापस देखना है एक चेंज और पॉसिबल है क्या, क्योंकि मैं CH2 को तो पहले चेंज कर चुका हूँ, मेरे पास यहाँ पे H बच चुका है, अब ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, मैं यहाँ से इस तरह से अब चेंज नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा, जो मेरे पास स्टार्टर था उसमें इस एल्काइल ग्रुप से CH2 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा। जैसे यहाँ से CH2 को इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ CH3 था, एक CH2 और आने से इस साइड में बन जाएगा इथाइल ग्रुप, और जब यहाँ से CH2 आप शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ बचा हुआ रह जाएगा CH3, तो वो कुछ एस्टर इस तरह से दिखाई देगा। क्योंकि ये बना हुआ एस्टर इन दोनों एस्टर से डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास ये तीसरा मेटामर्स हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, अगर हमने यहाँ से CH2 को वापस शिफ्ट करा तो शिफ्ट तो हो जाएगा, बट ये अभी एस्टर ना बनकर हमारे पास एसिड बन जाएगा। एसिड क्यों बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप है, जब आप यहाँ से CH2 रिमूव करोगे यहाँ बच जाएगा H, और वो किससे जुड़ा होगा, वो इस O से जुड़ा हुआ होगा, यानी ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, और CH2 ग्रुप यहाँ से इधर जाएगा, तो यहाँ पे दो कार्बन पहले से थे, एक CH2 और आ गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपाइल ग्रुप, बट ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसका मतलब ये है ये हमको नहीं बनाना है। ये जो हमने लास्ट एस्टर बनाया था यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, अब इसको यहाँ पे ले जाके शिफ्ट नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ हमने दो तरीकों को यूज करके एस्टर बना लिया, पहला हमने यहाँ से एक CH2 ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करके ये एस्टर बनाया, और दूसरा एस्टर हमने यहाँ से एक CH2 ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करके ये वाला एस्टर बनाया, यानी टोटल हमने तीन एस्टर बना लिए। अब जो हमारे पास बचे हुए एस्टर हैं उनके जो एल्काइल ग्रुप है उनको वहीं पर ही कुछ ऑल्टर करके नया एल्काइल ग्रुप बना सकते हैं क्या, जैसे ये जो एस्टर है इस मिथाइल ग्रुप से नया एल्काइल ग्रुप नहीं बन सकता, इस इथाइल ग्रुप से नया एल्काइल ग्रुप नहीं बन सकता, बट जो सेकंड नंबर का एस्टर है यहाँ पे हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है, अब हमको कुछ भी शिफ्ट नहीं करना है, इन तीन कार्बन का यहीं कुछ ऑल्टर करके नया एल्काइल ग्रुप बना सकते हैं क्या, डेफिनेटली इसे नया एल्काइल ग्रुप बन सकता है। कैसे बन सकता है, अभी ये तीनों ग्रुप जो है, ये तीनों कार्बन जो है इस ग्रुप में वो लीनियर अरेंज है, यानी ये प्रोपाइल ग्रुप है। अगर इन तीनों कार्बन को हम आइसोप्रोपाइल के तरीके से अरेंज करें तो ये हमारे पास नया चौथा एस्टर बन जाएगा। अब इसके अलावा ऐसी और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे इस कंपाउंड का आइसोमेरिक एस्टर बनाया जा सके, तो इस कंपाउंड के टोटल हमारे पास तीन एस्टर हमने बनाए हैं, यानी कि इससे टोटल हमारे पास चार एस्टर बन चुके हैं, एक हमारे पास गिवन था और तीन एस्टर हमने बनाए हैं, ये सभी कंपाउंड आपस में मेटामर्स होंगे। अगर इन सभी एस्टर पे मेटामर्स के डेफिनेशन को रिकंसिडर करें तो हमने ये कहा था पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में एक साइड या फिर दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप के कार्बन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो तो उससे बनने वाला कंपाउंड मेटामर्स होता है। और फोर्थ टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है टोटोमेरिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की रिएक्शन मेंशन है या दो तरह के एग्जांपल मेंशन है। अगर दोनों एग्जांपल को हम देखें तो इस एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इस एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ यहाँ से एक एच एटम जंप करके इस ओ पे आ गया है जिससे ये ओ एच में कन्वर्ट हो गया है, यानी इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन एटम की मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो एटम की मूवमेंट ना हो उसे हम रेजोनेंस कहते हैं, और ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ किसी एटम की और जनरली हाइड्रोजन एटम की मूवमेंट हो इसको हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। अब टोटोमर्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए ये दोनों कंपाउंड हमारे पास है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें इन के साथ OH लगा हुआ है इसलिए इसको हम इन ऑल कह देते हैं, यानी कि इसमें कीटो फॉर्म इनऑल फॉर्म में चेंज हो रही है, तो टोटोमर्स की डेफिनेशन अगर हम क्रिएट करें तो टोटोमर्स की डेफिनेशन होगी टोटोमर्स आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा और ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखे होंगे और इनमें हाइड्रोजन एटम की पोजीशन के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज होगी, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम टोटोमेरिज्म कह देते हैं और इस कंपाउंड को या इन कंपाउंड को हम टोटोमर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक होते हैं, सबसे पहले इनको आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस लिखे गए हैं। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं पॉइंट नंबर वन को। रेजोनेंस जो प्रोसेस होता है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि रेजोनेंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जबकि टोटोमेरिज्म रियल कॉन्सेप्ट है। नंबर सेकंड, रेजोनेंस के दौरान जो भी स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करती है या कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, ऐसी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या आरएस रेजोनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, और आरएस को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। रेजोनेंस में जो भी आइसोलेट होता है वो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जबकि टोटोमेरिज्म के दौरान ये जो कीटो और इनोल जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं, इनको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट से कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जैसे कीटो फॉर्म में सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके सभी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। इसी तरह इनोल एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जिसमें डबल बॉन्ड पे OH होता है, इसलिए इसमें इनोली का टेस्ट पॉजिटिव आता है और एल्कीन के टेस्ट भी इससे पॉजिटिव आते हैं। नंबर थर्ड, रेजोनेंस में जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं उनकी पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहती है, जबकि टोटोमेरिज्म के दौरान पार्टिसिपेट करने वाली स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन एटम की शिफ्ट होती है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी शिफ्ट होता है। नंबर फोर, रेजोनेंस के दौरान जितनी भी हम आरएस बनाते हैं उन सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, जबकि टोटोमेरिज्म के दौरान जनरली हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन चेंज करता है। इस कारण से इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 16, इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल फोर स्ट्रक्चर पी क्यू आर और एस गिवन है। इनके रिगार्डिंग यहाँ पर टोटल फोर स्टेटमेंट्स ए बी सी डी दी गई है, और टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब ये देखना है कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कितनी फॉल्स है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बस हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो वो रेजोनेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ एटम की मूवमेंट हो रही है और एटम हाइड्रोजन एटम है तो वो टोटोमेरिज्म है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट नंबर ए देखते हैं। इसमें लिखा है क्यू एंड एस आर नॉट रेजोनिक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास एस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड सिंगल है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ डबल बन रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो डबल था वो यहाँ पे सिंगल बन रहा है, यानी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट हो रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे OH था जबकि ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे N नेगेटिव था जो NH में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि Q और S में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ हाइड्रोजन एटम की पोजिशन भी चेंज होती है, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ना होकर टोटोमर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टेटमेंट ए है वो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है कि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये टोटोमर्स है। इसी तरह स्टेटमेंट बी को देखते हैं। बी में लिखा है आर और एस आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास एस है। यहाँ पे एनएच था, स्टिल एनएच बना हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम जंप नहीं कर रहा, जस्ट इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहे हैं और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी आर और एस में हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी आर और एस जो है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ इसका स्टेटमेंट जो बी होगा ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब स्टेटमेंट सी कंसिडर करते हैं, जिसमें लिखा है पी एंड आर आर टोटोमर्स। ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास आर है। इनको अगर देखें तो इसमें ये जो एन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे OH ग्रुप जो था वो सी डबल बॉन्ड O ग्रुप में चेंज हो रहा है। इसका मतलब P और R में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन एटम की पोजीशन भी चेंज हो रही है, इसीलिए टोटोमर्स है, इसीलिए इसका जो C स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं इसके लास्ट स्टेटमेंट D की। D में लिखा है P एंड Q आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। अगर इनको हम देखें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बट इसमें कहीं भी H एटम की जंप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब P और Q में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये दोनों आपस में RS होंगी और इसका स्टेटमेंट जो D होगा वो ट्रू होगा। चूंकि टोटोमेरिज्म वास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के कारण इसको हम सेपरेट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमारा टास्क यही है कि टोटोमेरिज्म की बेसिक नॉलेज हमारे पास हो, और जब इसका एक्सक्लूसिव सेपरेट वीडियो हम लेंगे वहां पे टोटोमेरिज्म किन किन कारणों से होता है और इसमें कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म की परसेंटेज या रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या है, इन सभी फैक्टर्स को
हम वहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर फिफ्थ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूल फार्मूला सेम हो बट आइदर उनकी फैमिली डिफरेंट हो या फिर उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इन कंपाउंड को हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे फैमिली और फंक्शनल ग्रुप को दो डिफरेंट कंडीशन बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त हमसे एरर कम हो। फैमिली के कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल 17 से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये तीनों कंपाउंड है और इनका जनरलाइज फार्मूला देखे तो फार्मूला इनका CnH2n-2 होता है, यानी कि तीनों हमारे पास आइसोमेरिक कंपाउंड है जिसमें से ये एल्काइन है, ये एल्काडाइन है और ये साइक्लोएल्कीन है। ऐसी कंडीशन में इनकी फैमिली डिफरेंट होने के बाद भी ये तीनों फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है और फैमिली को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप डील कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, यहाँ पे हमारे पास तीन कंपाउंड दिए गए हैं। सबसे पहले ये आइसोमेरिक कंपाउंड है या नहीं है, इनका मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है या नहीं है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ड्यू निकाल लो, जबकि दूसरा तरीका है इसमें आप तीन चीजें करो। पहली चीज तो कार्बन की संख्या चेक कर लो, क्या सब में कार्बन की संख्या सेम है क्या। जैसे यहाँ पर 6 कार्बन रिंग में है और 1 कार्बन बाहर है, ऐसा ही इसमें है, ऐसा ही इसमें है, यानी सब में टोटल 7 कार्बन है। कार्बन की संख्या मैच होने के बाद उसमें रिंग प्लस पाई बोन की संख्या मैच कर लो। इसमें 3 पाई बोन है और 1 रिंग है, तो ये हमारे पास 4 हो गए। इसी तरह इसमें भी 4, इसी तरह इसमें भी 4। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या और रिंग प्लस पाई बोन की संख्या सेम होती है तो ऐसे कंपाउंड में मॉलिक्यूल फार्मूला भी सेम होता है। अब बात करते हैं इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, क्या ये तीनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। अगर इसमें देखें तो जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास एक अल्कोहल कंपाउंड है। इसी तरह इसमें जो O है वो दो कार्बन के बीच में है, यानी कि ये हमारे पास ईथर हो गया। और इसमें OH बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास फिनोलिक OH हो गया। इसका मतलब ये है इन तीनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 19, अब ये दोनों कंपाउंड क्लोरीन की पोजीशन के कारण पोजीशन आइसोमर्स हैं या फिर कुछ डिफरेंट है। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर क्यों है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो ऑयल क्लोराइड है जबकि इसमें एल्डिहाइड है, इसलिए दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण यानी दोनों ही फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 20, इस एग्जाम्पल को बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही ढंग से समझना। अगर मान लो हमारे पास आइसोमेरिक अमीन्स या अमाइड दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में स्पेशली प्रिकॉशन रखना है क्योंकि यहाँ गलती होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले एक चीज तो ये नोट कर लो कि अमीन और अमाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हमने मेटामर्स में क्या देखा था कि सेकेंड डिग्री अमीन, थर्ड डिग्री अमीन या फिर सेकेंड डिग्री अमाइड या थर्ड डिग्री अमाइड मेटामर्स बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आइसोमेरिक अमीन या अमाइड है, सेकेंड डिग्री अमीन का सेकेंड डिग्री अमीन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या थर्ड डिग्री अमीन का थर्ड डिग्री अमीन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर ऐसा कि आइसोमेरिक अमाइड है जिसमें सेकेंड डिग्री का सेकेंड डिग्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, थर्ड डिग्री का थर्ड डिग्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड मेटामर्स होंगे। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमने कहीं भी 1 डिग्री अमीन या 1 डिग्री अमाइड को मेटामर्स नहीं बोला है, तो 1 डिग्री अमीन या 1 डिग्री अमाइड कभी भी मेटामर्स नहीं बना सकते। दूसरा हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर मान लो हमारे पास अमीन दे रखी है आइसोमेरिक और जिन दो अमीन का आपस में कंपैरिजन कर रहे हो या आइसोमेरिक अमाइड का आपस में कंपैरिजन कर रहे हो उनकी डिग्री चेंज हो गई। जैसे आपने दो आइसोमेरिक अमीन ली, एक 1 डिग्री अमीन है दूसरी सेकेंड डिग्री अमीन है, तो डिग्री चेंज होने पर ये फंक्शनल आइसोमर्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 कंपाउंड ए बी सी डी दे रखे हैं और इनमें इतना रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास दे क्या रखा है। इन चारों को अगर आप देखोगे तो ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ये चारों हमारे पास अमीन है और चारों की चारों आइसोमेरिक अमीन है। अब इनकी डिग्री को हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ए जो होगा ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, बी हमारे पास सेकेंड डिग्री अमीन है और सी थर्ड डिग्री अमीन है और डी हमारे पास अगेन सेकेंड डिग्री अमीन है।
डिग्री ऑफ अमीन के लिए ध्यान में रखना है कि जो नाइट्रोजन एटम है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे इस केस में हम इसको 1 डिग्री अमीन बोल रहे हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री अमीन है। इसी तरह ये जो कंपाउंड है ये 3 डिग्री अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 3 डिग्री अमीन है। अब हमको देखना है ए और बी में क्या रिलेशन है। ए हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, बी हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, दोनों आइसोमेरिक अमीन है, डिग्री चेंज हो गई, इसलिए ए और बी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। इसके बाद हमको देखना है ए और सी क्या है। ए हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, सी 3 डिग्री अमीन है, दोनों आइसोमेरिक हैं, अगेन ये आपस में हो जाएंगे Fi। इसी तरह ए और डी, ए 1 डिग्री अमीन है, डी हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, अगेन ये बन जाएंगे आपस में Fi। अब बी और डी क्या होंगे, बी 2 डिग्री अमीन है, डी 2 डिग्री अमीन है। अब इसको ढंग से देखना, हमारे पास 2 डिग्री अमीन से दूसरा 2 डिग्री अमीन बन रहा है, और अगर हमारे पास 2 डिग्री अमीन हो या 3 डिग्री अमीन हो या 2 डिग्री अमाइड या 3 डिग्री अमाइड, तो ऐसे कंपाउंड मेटामर्स बनते हैं, यानी 2 डिग्री अमीन से वापिस आपने आइसोमेरिक 2 डिग्री अमीन बना दिया, तो ये कंपाउंड आपस में मेटामर्स हो जाएंगे, तो बी और डी आपस में हो जाएंगे मेटामर्स। इसी तरह बी और सी को देखें, बी 2 डिग्री है, सी 3 डिग्री है, दोनों आइसोमेरिक है, तो अगेन क्या होंगे, ये बन जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। इसी तरह अभी सी और डी क्या होंगे, सी हमारे पास 3 डिग्री अमीन है और डी 2 डिग्री अमीन है, दोनों आइसोमेरिक है, डिग्री चेंज हो रही है, इसलिए ये दोनों आपस में बन जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब यहाँ पे अमीन और अमाइड की वापिस इसी कंडीशन को हम समराइज कर रहे हैं। इस केस में या तो आप अमीन एज्यूम करिए या एक टाइम में आप एमाइड एज्यूम करिए। सपोज आप अमीन एज्यूम कर रहे हैं तो 2 डिग्री अमीन का 2 डिग्री अमीन के साथ कंपैरिजन किया जाए और ये आइसोमेरिक हो तो ये मेटामर्स होंगे। इसी तरह 3 डिग्री अमीन का 3 डिग्री अमीन के साथ कंपैरिजन किया जाए, अगेन ये मेटामर्स होंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट डिग्री की अमीन्स हैं जिनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है, जैसे 1 डिग्री का 2 डिग्री के साथ, आइदर 2 का 3 के साथ, आइदर 1 डिग्री का 3 डिग्री के साथ, ऐसी कंडीशन में ये आइसोमेरिक अमीन जिनकी डिग्री डिफरेंट है वो आपस में Fi होते हैं। और बिल्कुल ये सेम चीज एमाइड में होगी कि अगर 2 डिग्री और 2 डिग्री अमाइड का आपस में कंपैरिजन कर रहे हो तो ये मेटामर्स होंगे। इसी तरह मान लो 3 डिग्री अमाइड का 3 डिग्री अमाइड के साथ कंपैरिजन है, अगेन ये मेटामर्स है। अगर आइसोमेरिक अमाइड्स हैं जिनकी डिग्री डिफरेंट है तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। नंबर 6, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, जिसे हम RCI भी कहते हैं। अगर हमारे पास 2 आइसोमेरिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उसमें से एक ओपन चैन है दूसरा साइक्लिक है, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में रिंग चैन आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर इन सभी टाइप्स की आइसोमेरिज्म में प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की जाए तो RCI यानी रिंग चैन आइसोमर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और पोजिशन आइसोमर्स की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। एग्जाम्पल नंबर 21, यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए गए हैं। अगर इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 आएगा, यानी दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फर्स्ट कंपाउंड ओपन चैन है जबकि सेकंड कंपाउंड साइक्लिक है, इसलिए ये दोनों आपस में रिंग चैन आइसोमर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 22, इस एग्जाम्पल में हमारे पास C4H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है जिसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी DU का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 है। अगर इस कंपाउंड के आप आइसोमर ड्रॉ करोगे तो इसके टोटल 4 आइसोमर बनेंगे जिन्हें हम A से D तक की मार्किंग किए हैं, और इनमें हमको इन सब के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड A और B को। दोनों कंपाउंड में मेन चेन सेम है, साइड चेन दोनों में ही एब्सेंट है। अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो डबल बॉन्ड की पोजिशन में डिफरेंस है। ये हमारे पास Bu1-ene है और ये हमारे पास Bu2-ene है। इसका मतलब A और B आपस में PI होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। कंपाउंड नंबर A और C, A हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है, C हमारे पास एक साइक्लिक है, दोनों ही आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए A और C आपस में रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। इसी तरह A और D को कंसिडर करेंगे तो A ओपन चेन है, D साइक्लिक है, दोनों ही आइसोमेरिक है, इसलिए A और D भी रिंग चैन आइसोमर्स होंगे। कंपाउंड B और C भी हमारे पास रिंग चैन आइसोमर्स होंगे, और इसी तरह B और D को कंपेयर करें तो ये भी हमारे पास रिंग चैन आइसोमर्स होंगे। कंपाउंड C और D को देखा जाए तो इसमें मेन चैन 4 कार्बन की है,
इसमें मेन चेन 3 कार्बन की है, साइड चेन इसमें 0 है, इसमें साइड चेन 1 है, इसलिए सी ओ डी आपस में सी आई होंगे, चैन आइसोमर्स होंगे। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं और गिवन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के रिलेशन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो के रेस्ट पार्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए टोटल 30 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपकी डिवाइस की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करके, स्लो डाउन करके या इनका स्क्रीनशॉट लेके इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आपने सभी क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। दीज आर द आंसर्स। इसी तरह अब आपके डिवाइस की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 से 18 डिस्प्ले हो चुके हैं। इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर को मैच करना है। आपने ये भी क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। दीज आर द आंसर्स। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 19 से 26 भी सोल्व कर लिए होंगे। दीज आर द आंसर्स। और अब आपके डिवाइस की स्क्रीन पर लास्ट 4 क्वेश्चन यानी 27-30 क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुके हैं, जिनको आपको सोल्व करना है। आई होप आपने इनको भी सोल्व कर लिया होगा। दीज आर द आंसर्स। तो गाइज आई होप आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे। इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या वीडियो में किसी भी एग्जांपल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे नोट करवाना चाहूंगा, वैसे तो इन सभी आंसर्स को लिखते वक्त बहुत सावधानी रखी गई है, फिर भी अगर आपको लगता है इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के किसी भी आंसर में इम्प्रूवमेंट की या करेक्शन की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।